हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 27 है। इस वीडियो में हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक सुपर क्लास होती है और एक ही सब क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखें कि पर्सन एक क्लास है और इस पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है, या यूं कहें कि पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है। तो इस इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास है और उसकी एक ही सब क्लास है, अतः इस टाइप के इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर सुपर क्लास से मतलब वह क्लास है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है, और सब क्लास से मतलब वह क्लास है जिसमें इनहेरिट किया जा रहा है। अब हम सिंगल इनहेरिटेंस को एक प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम demo.java नाम से एक सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे, और इस सोर्स फाइल में हम तीन क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास हम बनाएंगे पर्सन, दूसरी क्लास हम बनाएंगे एम्प्लॉई जो कि पर्सन क्लास की सब क्लास होगी, और तीसरी क्लास हम बनाएंगे डेमो जो कि मेन क्लास होगी, यानी इसमें हम मेन मेथड को डिफाइन करेंगे और एम्प्लॉय क्लास की फंक्शनलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोड इस डेमो क्लास के अंदर लिखें। तो सबसे पहले हम पर्सन क्लास बनाने के लिए लिखेंगे क्लास पर्सन। उसके बाद में इस क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब इस नेम इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे, तो उसके लिए लिखें void set string name, और मेथड के अंदर लिखें this.name equal name। यहाँ पे हमने जो this.name लिखा हुआ है वह है पर्सन क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल, और हमने यह जो नेम लिखा हुआ है वह है सेट मेथड का पैरामीटर। फिर नेम इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड बनाएं, तो उसके लिए लिखें void show, और मेथड के अंदर लिखें system.out.println, और नेम वेरिएबल println मेथड को as argument पास कर दें। शो मेथड को क्लोज करें और पर्सन क्लास को भी क्लोज कर दें। अब हम पर्सन क्लास की सब क्लास एम्प्लॉय बनाएंगे, तो उसके लिए लिखें क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट इंट आईडी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी हम एक मेथड डिफाइन करेंगे। यह मेथड हम नेम और आईडी की वैल्यू को सेट करने के लिए क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए लिखें void set string name comma int id, और उसके बाद में नेम की वैल्यू को सेट करने के लिए हमने पर्सन क्लास में ऑलरेडी एक सेट मेथड को डिफाइन किया हुआ है, तो हम इस पर्सन क्लास की सेट मेथड को एम्प्लॉय क्लास की इस सेट मेथड से कॉल करने के लिए लिखें सेट, और नेम जो वेरिएबल है यहाँ पे उसको एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दें। फिर यह जो पैरामीटर आईडी है इसकी वैल्यू इस आईडी इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिखें this.id=id। इस सेट मेथड को भी यहाँ पे क्लोज कर दें। इस सेट मेथड के बारे में एक बात और हम यहाँ पे देख लें, वह यह कि पर्सन क्लास में भी हमने एक सेट नाम से मेथड डिफाइन किया, और इस सब क्लास एम्प्लॉय में भी सेट नाम से एक मेथड को हमने डिफाइन किया। यानी जो मेथड्स है पर्सन क्लास में और एम्प्लॉय क्लास में उनके नाम सेम है किंतु पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। सुपर क्लास में हमने जो लिखा हुआ है वहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, किंतु सब क्लास में जो सेट मेथड है उसमें दो पैरामीटर है, एक स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा इंट टाइप का। तो यह जो केस है यह मेथड ओवरलोडिंग का केस है। अब हम आगे चलें। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम नेम और आईडी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेथड डिफाइन करें, और उसके लिए लिखें void show पैरेंथेसिस, और फिर शो मेथड के अंदर लिखें super.show। यहाँ पे मैंने जो super.show लिखा हुआ है यानी मैं सुपर क्लास के शो मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। उसके बाद में आईडी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए लिखें system.out.println id।
शो मेथड को क्लोज कर दें और क्लास को भी क्लोज कर दें। यहाँ पे शो मेथड के बारे में भी हम एक बात और डिस्कस कर लें। यहाँ ध्यान से देखें कि पर्सन क्लास में भी हमने एक शो मेथड को डिफाइन किया हुआ है और इस एम्प्लॉय क्लास में भी हमने एक शो मेथड को डिफाइन कर दिया, किंतु इन दोनों मेथड के नाम तो सेम है, इनके रिटर्न टाइप भी सेम है और पैरामीटर लिस्ट भी सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने सुपर क्लास की जो शो मेथड है उसको इस सब क्लास में ओवरराइड किया हुआ है। नाउ तीसरी क्लास डेमो डिक्लेयर करने के लिए लिखें क्लास डेमो। इसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन करें, मेन मेथड में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें एम्प्लॉय ई इक्वल न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने यह जो न्यू एम्प्लॉय लिखा है यह एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और इधर जो हमने लिखा हुआ है एम्प्लॉय ई, तो ई जो है वह है रेफरेंस वेरिएबल एम्प्लॉय टाइप का। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा हुआ है ई डॉट सेट और हमने वैल्यूज पास किया है राम और दूसरी वैल्यू 101। तो यहाँ पे वह सेट मेथड कॉल होगी जिसमें दो पैरामीटर होंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा इंट टाइप का। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेट मेथड यहाँ जो हमने एम्प्लॉय क्लास में दिया हुआ है वह कॉल होगा, यानी यहाँ से कंट्रोल जाएगा एम्प्लॉय क्लास की सेट मेथड पे और जो वैल्यू हमने पास की है इन पैरामीटर्स में आ जाएगी। उसके बाद में फिर से हमने सेट मेथड को कॉल किया है, किंतु इस सेट मेथड में हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास किया है, यानी नेम वेरिएबल की वैल्यू दिया है। तो वह सेट मेथड कॉल होगी जो एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर रखती है, यानी यहाँ से कंट्रोल जो है वह चला जाएगा पर्सन क्लास की सेट मेथड पे और जो नाम हमने पास किया है वह इस सेट मेथड के नेम पैरामीटर में आ जाएगा, जो कि अब इस इंस्टेंस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन कंट्रोल वापस एम्प्लॉय क्लास की सेट मेथड में आ गया। यहाँ पे जो आईडी को वैल्यू पास की थी वह इस दिस डॉट आईडी इक्वल आईडी स्टेटमेंट की वजह से एम्प्लॉय के आईडी इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट मेथड कंप्लीट होती है तो कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। मेन मेथड में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ई डॉट शो। अब यहाँ ध्यान से देखें कि हमने ई जो बनाया हुआ है रेफरेंस वेरिएबल वह एम्प्लॉय टाइप का है, किंतु ऑब्जेक्ट जो है वह भी एम्प्लॉय टाइप का ही है। तो यहाँ पे शो मेथड जो है वह जो एम्प्लॉय क्लास है उसकी कॉल होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वह एम्प्लॉय टाइप का है, तो शो मेथड एम्प्लॉय की कॉल होगी। मतलब इस स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ उससे जो कंट्रोल है वह जाएगा एम्प्लॉय क्लास की शो मेथड पे। अब एम्प्लॉय क्लास की शो मेथड में सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है सुपर डॉट शो। तो यहाँ पे हमने जो सुपर डॉट शो लिखा हुआ है उसकी वजह से यहाँ से जो कंट्रोल है वह सुपर क्लास के शो मेथड पे चला जाएगा, यानी जो मेथड है शो पर्सन क्लास की वह कॉल हो जाएगी। तो कंट्रोल अब यहाँ पर आ गया, यह पर्सन क्लास के शो मेथड नेम प्रिंट कर देगी, फिर वापस कंट्रोल इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आईडी की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आईडी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन वापस कंट्रोल मेन मेथड में आ जाएगा, मेन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और सिंगल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली हम जावा में कैसे बना सकते हैं वह सीखा। यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इस प्रोग्राम में पर्सन और एम्प्लॉय दो क्लासेस है। एम्प्लॉय जो है वह सब क्लास है पर्सन की और जो पर्सन है वह सुपर क्लास है एम्प्लॉय की। तो यह हुआ एक सिंगल इनहेरिटेंस। जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा राम 101। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और सिंगल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली हम कैसे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।